हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी सॉल्ट पेपर 2017 एलजेब्रा का ये पेपर है। अब इसमें जो 2017 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि मॉडुलो एम की अवशेष कक्षाओं के योग के लिए एक ग्रुप बनाती है। अब हमें ये शो करना है, तो सबसे पहले हमारे पास अवशेष कक्षाओं का जो मॉड्यूलो एम है ये किस तरह शो करते हैं हम वो देखते हैं। माना जी एक समुच्चय है, तब उसमें संक्रिया प्लस एम परिभाषित है। संक्रिया एम किस तरह परिभाषित करते हैं हम, ए प्लस एम बी इक्वल टू ए प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस देन एम एंड एम माइनस ए बी ए प्लस बी इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन एम, ये हो जाता है। अब हमें इसे ग्रुप शो करना है इस संक्रिया के साथ। तो ग्रुप शो करने के लिए हम सबसे पहले इसे क्लोजर शो करते हैं। क्लोजर शो करने के लिए हमें लेट ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए प्लस एम बी बराबर ए प्लस बी इफ ए बी लेस देन एम एंड एम माइनस ए प्लस बी इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एम, और अगर ए प्लस बी इक्वल टू एम हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये वो है, ये इस तरह से है, ये हो गया अपने पास। देन तो हमारे पास ये डेफिनेशन से क्लियर शो हो रहा है कि अगर ये एम से बड़ा हो जाएगा इससे, तो वो इस कंडीशन में ए माइनस बी माइनस करके उसमें से एम के अंदर ही लाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारे पास, एक क्लोजर हो गया हर कंडीशन में। अब हम इसे साचार्य प्रूव करते हैं। चूंकि तीन संख्याओं का योग हमेशा साचार्य होता है, क्योंकि तीन संख्याओं को जब हम सम करते हैं तो हमेशा एक साचार्य संख्या देता है। तो और ये मॉड्यूलो एम क्या, ये भी एक साचार्य सम ही है एक तरह से, तो ये भी एक साचार्य होगा। अब तत्समक अवयव का अस्तित्व है, अब जीरो बिलोंग्स टू जेड, तो हो गया अपने पास सो जीरो प्लस एम बी इक्वल टू बी ए प्लस बी जीरो एम बराबर जीरो। या फिर हमारे पास ये भी हमें डिफाइन करना है कि जो ए प्लस बी होंगे वो जेड से होंगे और एम होगा वो भी जेड से होगा एंड ए प्लस बी लेस देन जेड बी, ये भी होगा। अब ये हो गया, ये हमारा जीरो हो गया। प्रतिलोम देखते हैं तो एम माइनस ए जो कि एक जेड है और एम से छोटा भी है, तो ए प्लस एम माइनस ए बराबर एम, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एम आने पर हम क्या करते हैं उसमें से ए माइनस ए प्लस बी जो कि एम के इक्वल है उसको घटा देते हैं। तो ये हो गया एम, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एट एम इट बिकेम जीरो। सो ए प्लस एम माइनस ए इक्वल टू जीरो बराबर एम माइनस ए प्लस ए, अर्थात जी का प्रतिलोम प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। अब हमने चारों की कंडीशन थी ग्रुप की वो सेटिस्फाई करा दी, तो हमारे हम कह सकते हैं कि जी है जो एक ग्रुप है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू आता है, वो है उपग्रुप को परिभाषित कीजिए, लैंगराज प्रमेय का कथन व प्रमाण दीजिए। सबसे पहले उपग्रुप क्या कहते हैं, माना एच कोई ग्रुप जी का कोई उपसमुच्चय है। यदि एच भी जी की संक्रियाओं के साथ ग्रुप है, मतलब जी में कोई भी संक्रिया परिभाषित है, वो प्लस हो सकती है, डॉट हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, कुछ भी संक्रिया हो सकती है, तो उसके साथ अगर जी जी तो ग्रुप ही होगा, अरे उसी संक्रिया के साथ जो उसका उपसमुच्चय होगा, एच भी एक ग्रुप की सभी डेफिनेशंस को फॉलो करता है, तो उस कंडीशन में एच जो होगा अपने पास वो जी का उपग्रुप होगा। अब लैग्रैन्ज प्रमेय क्या थी, अब लैग्रैन्ज प्रमेय देखते हैं। एक परिमित ग्रुप में प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। ये कह रहा है कि कोई भी एक अगर हम फाइनाइट ग्रुप लें, तो अगर और उसका एक उपग्रुप लें, हम उपग्रुप जैसे इसमें जी ग्रुप है उसका एच उपग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ एच बराबर अपने पास एन है, ऑर्डर सॉरी एम है और ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन है, तो इस कंडीशन में अपने पास ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ एच से डिवाइडेड होगा, ये हमें शो करना है। अब प्रूव करने के लिए माना जी एक ग्रुप है जिसका उपग्रुप एच है, तथा जी एक परिमित ग्रुप है, अतः एच भी एक परिमित ग्रुप हो, क्योंकि एक जी परिमित ग्रुप है तो उसका जो उपसमुच्चय होगा वो परिमित होगा, तो ये उसका जो समुच्चय होगा वो परिमित होगा उसमें। तो उपग्रुप क्या होता है, उस जो जी का उपसमुच्चय जी के जो समुच्चय होता है उसका उपसमुच्चय होता है, तो इस कंडीशन में वो भी एक परिमित होगा। इस तरह ऑर्डर ऑफ एच बराबर एन मान लिया और ऑर्डर ऑफ जी बराबर हमने एम मान लिया, ये दोनों परिमित हैं। तथा किसी ए बिलोंग्स जी के लिए, ए बिलोंग जो कोई ए हमने ले लिया जी से, के लिए प्रतिचित्रण एफ एच बराबर ए एच से इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एच बराबर ए एच, ये हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया जो एच
एफ एच बराबर ए एच, इस तरह से हमारे पास शो हुआ है जो एच से और जी में हमारे पास परिभाषित है। यह प्रतिचित्र अच्छा दी है, मतलब कि ऑन टू है, क्योंकि ये एच के प्रत्येक अवयव का स्वरूप ए एच, एच बिलोंग्स टू एच है, ये है। साथ ही किन्हीं दो अवयवों एच वन व एच टू के लिए एफ एच वन बराबर एफ एच टू बराबर ए एच वन बराबर ए एच टू, जो यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, तो ए से एक एक हट जाएगा, तो ये होगा एच वन बराबर एच टू। सो एफ इज वन वन ऑन टू, एफ को हमने वन वन मतलब वन वन ऑन टू शो कर दिया, तो जो हमने पास डिफाइन किया था फंक्शन वो हमारे पास वेल डिफाइंड फंक्शन हो गया, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ ए एच हो गया। इसी प्रकार ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ एच ए कर सकते हैं, चूंकि ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ ए एच बराबर ऑर्डर ऑफ एच ए। बट हम जानते हैं जो जीव होता है वो जो लेफ्ट या राइट कोसेट होता है उनका यूनियन होता है, जो भी उसके एच के जो भी लेफ्ट और राइट कोसेट बनेंगे उनका यूनियन होगा। अब या तो जी के, और ये भी हम डेफिनेशन से जानते हैं कि ये वो जो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट होते हैं या तो बिल्कुल सेम होते हैं या बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर वो हम मान लेते हैं कि ये, परंतु एच के सभी वाम समुच्चय असंयुक्त नहीं होते, अतः माना कि ए वन एच मतलब कुछ हमने अभी मान लिया उसके अकॉर्डिंग उसके जो वो बनते हैं कोसेट्स असंयुक्त है, तो अपने पास जी बराबर हो गए ए वन एच यूनियन ए टू एच यूनियन डॉट डॉट यूनियन ए के एच। अभी ये सभी असंयुक्त है तो सभी में जो ऑर्डर होगा वो अलग अलग लिख सकते हैं हम यूनियन ने, पर ये असंयुक्त है तो हमने ऑर्डर अलग अलग लिख दिया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए वन एच प्लस ऑर्डर ऑफ ए टू एच प्लस डॉट 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 ऑर्डर ऑफ ए एन। फ्रेंड्स ये हम उसी कंडीशन में कर सकते हैं प्लस अलग अलग जब ये कि असंयुक्त हो एक दूसरे से। अब बट ऑर्डर ऑफ ए एच बराबर ऑर्डर ऑफ एच हर एक के लिए इतना है, तो ऑर्डर ऑफ एच सभी के लिए ऑर्डर ऑफ एच से हम रिप्लेस कर दिया, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, ये के बराबर एन बराबर आ गया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर के एन, एच बराबर एच का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एच था एम और के बार था, तो ये के बराबर एम आ गया था, तो ये के बराबर आ गया अपने पास एन अपॉन एम, यानी ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच, जो कि हमें शो करना था। अब फिर से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। यह सिद्ध कीजिए कि, अब ये दो हमें प्रूव करने हैं, प्रत्येक क्रम विनिमय समूह की समाकारी प्रतिबिंब भी एक क्रम विनिमय होता है, और अगर सेकंड में जो प्रत्येक चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, ये हमें दो शो करने हैं। तो इसमें पहले शो करते हैं, माना जी स्टार एक क्रम विनिमय ग्रुप है, एक हमने आवेली ग्रुप ले लिया है इस तरह से, तथा जी डैश ओ दूसरा ग्रुप है, ये कोई दूसरा ग्रुप है, माना एफ जी से जी डैश में कोई भी एक फंक्शन डिफाइन है अपने पास, चूँकि एफ जी ग्रुप जी डैश का उपग्रुप है, अतः ए डैश एंड बी डैश बिलोंग्स टू एफ एक्स इस प्रकार होंगे कि एफ ए बराबर एफ ए डैश एंड एफ बी बराबर एफ बी डैश, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू जी। हमने इस तरह से डिफाइन किया, तो हमने इस तरह से ए का ए के अवयव को तो एफ ए कर दिया, तो जी ए डैश में। अब ए डैश ऑर्डर ऑफ बी, यहाँ हम ये लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं एफ ए डॉट एफ बी बराबर, हम लिख सकते हैं एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ बी स्टार ए, क्योंकि क्रम विनिमय है तो बी स्टार ए कर दिया हमने, तो ये आ गया अपने पास एफ बी डॉट एफ ए, तो ये आ गया अपने पास एफ बी डॉट एफ ए बराबर बी डैश डॉट ए डैश। अतः अब जो हमारे पास एफ जी आया था, यानी कि एफ जी क्या था, ये जी डैश के जो अवयव थे वो भी हमारे पास क्रम विनिमय आ चुके हैं, यही हमें शो करना था। अब हमारे पास सेकेंड है, माना चक्रीय ग्रुप जी स्टार, माना चक्रीय ग्रुप जी स्टार बराबर ए से ग्रुप जी डैश वो एक समाकारिता है, देन एफ जी जी डैश का उपग्रुप है, एफ जी भी जो होगा जी डैश का उपग्रुप होगा, एक्स बिलोंग्स टू एफ जी एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये कर दिया हमने। साथ ही एफ ए एन बराबर एफ जी, अब ये एफ ए स्टार डॉट डॉट एन बार हो गया, तो ये एफ ए एन बराबर, अतः ये हो गया एफ ए डॉट एफ ए, ये हो गया एफ ए की पावर एन, ए की पावर एन, ये एफ ए की पावर एन नहीं है, ये हमारे पास जो संक्रिया थी वो एन बार है, अतः एफ जी का प्रत्येक अवयव एफ ए की एक पूर्णांक के घात है, अतः एफ जी भी एक चक्रीय ग्रुप है। हमने अभी इसको चक्रीय ग्रुप कर दिया है, इसको हम फिर से समझ लेते हैं। हमने कोई एक अवयव ले लिया ए एन, ये एन अवयव ले लिया इसमें से, तो हमने ए एन को क्या लिख सकते थे हम, ये एन बार जो संक्रिया शुरू हो रही है वो उससे, तो ये एफ ए डॉट एफ ए अलग अलग हो जाता, उसको हमने फिर बाद में इसको अलग कर लिया क्योंकि हमारे पास ये संक्रिया परिभाषित है, तो ये हो गया एफ ए डॉट एफ ए, ये हो गया एफ ए एन, अतः एफ जी का प्रत्येक अवयव एफ जी के पूर्णांक के घात हो गया, क्योंकि
एफ जी का जो अवयव थे वो एफ ए की जो घात के रूप में हमने शो कर दिया है। अतः एफ जी भी ये पूर्णांक की ग्रुप है। हमारे पास इसका बी पार्ट आता है, वो आता है सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप या नॉर्मल उपग्रुप होता है, यदि और केवल यदि एन के किन्हीं दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणन एन का एक दक्षिण सह समुच्चय, मतलब कि यहाँ पे दो कोई लेफ्ट या राइट कोसेट होंगे, उनका अगर जो मल्टीप्लाई जो जो भी उनके साथ गुणन करेंगे वो हमारे पास राइट कोसेट आ जाएगा, तो हम इसको शो कर सकते हैं। अब ये यही शो करवा रहा है। अब हमने सबसे पहले मान लिया, माना जी एक विशिष्ट उपग्रुप है, ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, एन ए बराबर एन बी, ये हो गया। तो एन ए बराबर इसको लिख सकते हैं एन ए बी, क्योंकि ये विशिष्ट उपग्रुप है तो ए एन बराबर एन ए होगा, ये कंडीशन फॉलो होगी। तो विशिष्ट उपग्रुप में होता है एन विशिष्ट उपग्रुप में ये हमारे पास कंडीशन फॉलो होती है, सॉरी ए एन यहाँ आएगा, ये हमारे पास कंडीशन फॉलो होती है। ये कंडीशन फॉलो होती है, तो एन ए बराबर ए एन, उसी से हमने ये लिख दिया। तो ये एन एन ए एन हो गए, एन से एन पर हमें वो करें, हम संक्रिय परिभाषित करें तो एन ही आता, तो ये एन ए भी। अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं। कन्वर्सली के मानक जी के किन्हीं दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणन एन के में एक दक्षिण सह समुच्चय, मतलब कि हमने कोई दो राइट कोसेट ले लिए, उनके जो मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास फिर से राइट कोसेट है, हमने ये मान लिया है। अर्थात एन ए बराबर एन बी बराबर अर्थात एन ए बराबर एन बी बराबर एन ए बी। अब हम इसलिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एन ए तथा एन ए इनवर्स, क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू जी होगा, तो एन के दो दो दक्षिण सह समुच्चय हो जाएंगे। तो एन ए इनवर्स बराबर एन ए डॉट ए इनवर्स बराबर एन ई बराबर एन, सो ई बिलोंग्स टू एन, परंतु एन ई बराबर एन ग्रुप जी के दो का दक्षिण सह समुच्चय, अतः ई बिलोंग्स टू एन। चूंकि किसी उपग्रुप के दो दक्षिण सह समुच्चय या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, अतः एन ए बराबर एन ए डॉट एन ए इनवर्स बराबर एन बी बराबर एन ए। नाउ अब हमने ये ले लिया, कोई एन से अभी ले लिया एन वन और एन से दूसरा अभी ले लिया एन टू, तो एन एन वन ए वन एन टू ए वन बराबर एन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब हमने दोनों तरफ एन इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एन इनवर्स एन वन डो ए एन टू ए इनवर्स बराबर ए, ये हो गया ए सॉरी एन इनवर्स एन। अब हमने एन एन इनवर्स एन इधर से कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया ए एन टू और ए इनवर्स, ये रह गया अपने पास, ये हो गया अपने पास ये बिलोंग्स टू एन है, तो ये हो गया ए एन टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एन, ये हो गया। सो अतः ये हमारे पास ये प्रूव कर दिया, तो हमने कर दिया अतः एन एक विशिष्ट उपग्रुप है।